दोस्तों, यदि आप भी कुवैत से खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए दोस्तों मैं बहुत ही बड़ी अपडेट आपके लिए कुवैत से लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जो लोग कुवैत नहीं जा पा रहे किसी कारण, या फिर जिनका कोरोना वायरस के कारण फ्लाइट रद्द कर दिया गया है, वो लोग कुवैत कैसे जाएं, इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग अभी इंडिया में आए हैं छुट्टी पर और उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि उनका जो 6 महीना ड्यूरेशन टाइम है वो ख़त्म हो गया है। किसी का 7 तारीख, किसी का 10 तारीख, किसी का 12 तारीख, और इस टाइम जो उनका टिकट है, मतलब अब जो फ्लाइट वो बंद है, अब यहाँ क्या होगा जब फ्लाइट स्टार्ट होगी। और जिस दिन से फ्लाइट बंद हुई थी उस दिन से ये दिन तक नहीं जोड़े जाएंगे। बाकी आपके पास जितना टाइम दिन है उसके हिसाब से आपको टाइम मिलेगा और इस तरह से आप कुवैत जा सकेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं जिनका वीज़ा निकला हुआ है और उनका टिकट लगातार कैंसिल हो रहा है और उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका वीज़ा नया है और आपका सारा काम हो चुका है, आपकी टिकट कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ आपको वीज़ा टाइम होता है तो आपको जाने दिया जाएगा। यदि आपके पास वीज़ा टाइम नहीं होता है तो आपको कुवैत जाने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों जिनके पास टाइम है वो फ़िलहाल जा सकते हैं, और यदि दोस्तों दोबारा आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको फिर से वही प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से वीज़ा के लिए आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, मतलब फिर से सारा झंझट आपको फिर से लग जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी जो कुवैत से आ रही थी, तो मैंने सोचा आप तक शेयर कर दूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते साथियों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।